एवरीवन, मैंने कल एक कमेंट दिया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि किसको कैसा कंटेंट पसंद है। मैं स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स को, तो सब्सक्राइबर्स बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट दिया था और पर्सनली भी सजेस्ट किया कि आप ब्लॉग बना सकते हो। तो मैंने आज से प्लान किया कि मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके मैं ब्लॉग बनाने के लिए, और आज मैं आप लोग के सामने एक ब्लॉग लेके आ गया हूँ। तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। फाइनली मैं फ्रेश हो गया हूँ, और फ्रेश होने के बाद आप लोग के मैं साथ और चीज़ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ विशाल मेगा मार्ट। और क्योंकि घर में सब कुछ ख़त्म हो गया जो बोल रहे हैं मेरे को, और मैं जाने वाला हूँ पप्पा के साथ कुछ खरीदने के लिए, और इफ्तार या इफ्तार के लिए। तो चलिए क्या क्या खरीदते देखते हैं पहले, और उससे पहले मैं और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के लिए हम लोग अटेंडेंस के लिए 10:30 पे लॉगिन होना पड़ता है एक सॉफ्टवेयर पे। और अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो पहले बात तो है कि मैं वो अटेंडेंस नोट करने वाला हूँ थ्रू मोबाइल। तो चलिए कोई बात नहीं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, और आप लोग को भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा लास्ट तक क्या होता है। तो मैं आ गया हूँ वरुण्स पे, जहाँ पे बहुत लोग ने बोला था कि आज संडे है और बीओ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह भी देने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है और क्या क्या देते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। हम लोग पेट्रोल डालने वाला है गाड़ी पे, पेट्रोल का प्राइस देखने के बाद तो मन ही नहीं करता है, फिर भी क्या करूँ, आदत से मजबूर। तो चलिए अभी हम लोग आ गया है विशाल मेगा मार्ट के रास्ते पे, और अभी हम लोग पहुँचेगा, जल्दी पहुँच जाएगा कि विशाल मेगा मार्ट में क्या नया सामान आया है, थोड़ा सा घर के लिए सामान भी खरीद लेंगे। और अभी तो बहुत एक बात ही हो गया था, मेरे को ऑफिस से बात कॉल किया था और उन्होंने बोला कि फायर से चेंज कर दो, और ऐसा एक क्लाइंट है ये कर दो। मैंने बोला हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर पे आया हूँ, ऊपर वाला के हाथ पे है, और उन लोग को पता नहीं चला कि क्यों मैं बाहर पे हूँ। और चलिए क्या होता है देखते हैं। अभी ये खरीद लिया था कार केयर किट, तो उसके ऑफर प्राइस में है 799, और इसमें पूरी पुलिस और कार पुलिस भी रहते हैं, इसमें बॉडी पुलिस, डैशबोर्ड पुलिस सब कुछ रहता है। ये बॉडी पुलिस है, स्क्रैच रिमूवर, इवन स्क्रैच रिमूवर भी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, जो आप लोग खरीद सकते हो। रिमूवर है जो मेरे को प्रैक्टिकली भी दिखाया था वो लोग, तो अच्छा है प्रोडक्ट, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है मेड इन इंडिया। तो अभी हम लोग पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट, और विशाल मेगा मार्ट में क्या क्या खरीदते हैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और पहले इस बात तो ये कि विशाल मेगा मार्ट पे पार्किंग आने के लिए प्लेस नहीं था, तो थोड़ा सा आगे आना पड़ा, कोई बात नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पर जाके आप लोग को हर एक चीज़ में दिखाने वाला हूँ, क्या क्या है, क्या क्या नया सामान आया है, क्या क्या बिहू के लिए नया सामान उन लोग ने इनोग्रेशन किया है, और ईद के लिए भी मार्ट तो हुए है ये। फुल एनर्जेटिक प्लेस, अभी भी इतना मॉर्निंग पे इतना एनर्जेटिक कैसे वो मेंटेन कर रहे, मेरे को पता नहीं। प्रोडक्ट है 249 रुपीस का वाला, 124 रुपीस में दिया गया है। तो ये सब सामान लाया जहाँ पे एक जूस के साथ एक फ्री में मिल गया हम लोग को। और अभी मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, जो कंपनी पे हम लोग को एक फॉर्मेट दिया जाता है जहाँ पे लॉगिन करने के लिए पड़ता है, तो वो देखिए ऑलरेडी हम मैंने लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था। चलिए देखते हैं अभी मेरे को क्या टास्क दिया जाता है और मैं कितना जल्दी फुलफिल कर पाता हूँ। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी डेली ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है अभी तक, और बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए मैं ये वाला वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, और अगर ये वाला वीडियो पे ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं डेली ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश जरूर करूँ। टाइम पास कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठा हुआ है ताहिर को, चल ताहिर प्लीज से हाय, से हाय,
ये देखो ये पूरा मोबाइल पे बिजी है और अभी नया एंट्री हम लोग को ये फेसबुक जो वीडियो आता है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी खतरा खतरा देख रहा है जहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा आया है। तो ये देखिए ऐसा शो देख कर टाइम पास करना ही अच्छा है। न्यूज़ देख रहा था थोड़ा सा हेडलाइन में हमेशा क्या करता हूँ जब कोई पहले जब वीडियो दिया था आप लोग के साथ मैं हमेशा क्या करता हूँ नया नया न्यूज़ पढ़ते रहता हूँ कि कौन सा न्यूज़ नया है। और अभी आज मैं पढ़ा था गूगल पे गूगल बाबा ने मेरे को क्या दिया फॉर फर्स्ट टाइम असम एक्सपोर्ट्स 1.5 टन ऑफ जैकफ्रूट्स को ये देखने को मिला है। असम एक्सपोर्ट्स 1.5 टन ऑफ जैकफ्रूट्स तो कहाँ पे तो टू दुबई। तो ये सबसे बड़ा एस्टिमेंट हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा एस्टिमेंट हम लोग सिर्फ इंपोर्ट सुनते रहते हैं कि ये वहाँ से लाया है ये वहाँ से लाया है लेकिन अभी पहले बार हम लोग को देखने को मिला है जहाँ पे जैकफ्रूट एक्सपोर्ट किया गया है वो भी दुबई पे। देखने से लिए हम लोग को अच्छा लगता है एंड आई कैन से दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और नया नया न्यूज आप लोग को और दिखाने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा ट्राई कर रहा हूँ कि ये ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकूँ और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कर सकूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि उस इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने के बाद वो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल रहे। थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दे रहे हो तो मेरे को अच्छा लगने वाला है और वैसे ही आप लोग के लिए भी बेनिफिट होने पड़ेगा तभी मैं कुछ ऐसा वीडियो ट्राई करता हूँ। तो ये डेली ब्लॉग के द्वारा मैं आप लोग के साथ एक एक नया नया न्यूज़ एक नया नया टॉपिक हमेशा शेयर करूँगा इस वीडियो पे। और ये वाला वीडियो अभी भी बाकी है आप देखते रहिए। तो पहले बात तो ये अभी जो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तब मेरे को ऐसा एक न्यूज़ देखने को मिला जो शायद मेरा माइंड ही खत्म किया। मतलब क्या बोलूँ मैं ऐसा भी होता है एक काउंट्री ऐसा भी गेम प्ले कर सकता है वो भी साइना। साइना ने फिर से एक गेम प्ले किया है जो डेप देकर ख़त्म कर दिया बहुत सारे देशों को। अभी आप लोग शायद न्यूज़ वगैरह में देख रहे हो शायद श्रीलंका हो पाकिस्तान हो वो लोग फुल्ली गिर गया है फाइनेंशियली ब्रेकडाउन हो गया है। क्या क्या मोर देन 40 कंट्रीज को साइना ने डेप दे दिया है जहाँ की वो इन्वेस्ट किया है जब उन लोग को ज़रूरत नहीं था तब उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट दे दिया है। और अभी जब क्राइसिस हो रहा है सब में साइना बोल रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए कैसे भी करके मेरे को पैसा चाहिए। तो अगर ओवरऑल एस्टिमेशन अगर हम लोग देखें 2020 के बजट या 2020 के जीडीपी को देकर हम अगर हम लोग देखें तो साइना ने टोटल नेशनल डेप दिया है नियर अबाउट 4 ट्रिलियन। इस इम्पॉसिबल आप लोगों को पता चली गया कि चाइना इतना इन्वेस्ट किया है बहुत से कंट्रीज पे राइट। तो सबसे पहले पाकिस्तान अभी इतना ऐसा पोजीशन पे आ गया है इमरान खान ऐसा एक पोजीशन पे आ गया है जो चाइना से फिर से डेप मांग रहा है क्योंकि और सबसे बात ये है हम सब कुछ ब्लेम चाइना को नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ लोन दे रहा है दूसरे कंट्रीज को। पर जरूरत किस लिए हो रहा है क्योंकि फर्स्टली आ जाता है कोरोना कोविड के कारण और सेकेंडली यूक्रेन के क्राइसिस के कारण। तो हम लोग बोल सकते हैं हर एक देश जो लोन ले रहा है जो डेप ले रहा है चाइना से वो अपने आप को बोल सकता है अपने आप के लिए ये हो पा रहा है क्योंकि वो लोग जो फाइनेंशियल मैटर वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है वो फाइनेंशियली अपने कैसे ग्रो करें कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें कैसे अपने देश को आगे में लेके जाए वो लोग नहीं जान पा रहा है अभी तक। उसके कारण अभी इतना एक फेलियर हो सकता है आप लोग क्या बोलो इतना एक प्रॉब्लम पे अभी आ गया है वो लोग चाहे वो श्रीलंका चाहे वो पाकिस्तान। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि श्रीलंका का अभी 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 2000 रुपीज। इट्स इम्पॉसिबल फॉर ए सिविलियन फॉर ए पीपल टू सर्वाइव इन श्रीलंका। जितना हुआ मैं आप लोग के साथ एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने के लिए ट्राई किया और जितना अच्छा कंटेंट आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाऊँ मेरे को भी अच्छा लगेगा। अभी तक मैंने आप लोग को 2 न्यूज़ शेयर किया है और देखिए चलिए और बाद में आप लोग को और वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ मैं ट्राई किया आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने के लिए और पूरा ब्लॉग बनाने के लिए ट्राई किया। अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो।